अच्छे से कमेंट करने तो करो वरना भागो यहाँ से। गो टू हेल, गो टू हेल। अरे सुनो सुनो, ओए गो टू हेल की बच्ची, गो टू की बच्ची, ध्यान से सुन। तू पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की ही रहेगी। हिंदुस्तान में आके इस तरह की, जिस तरह की तू भाषा कर रही ना, ये मेरी बात को याद रखे, तुझे हम रिपोर्ट करा के रहेंगे। तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? एपी सिंह की चलेगी क्या? सचिन की चलेगी क्या? हम 140 करोड़ लोग मर गए क्या? अभी हम जिंदा हैं और हम 140 करोड़ लोगों ने अगर आवाज उठाई ना, तो यहाँ से इस तरह से मर्चेंट एक चैनल पे आके कहता, हम भारत में घुस के क्या हम पाकिस्तान का झंडा हम भारत में लगा सकते हैं? अरे और मैं अपनी चैनल वालों कहूंगा कि वहाँ के जो पाकिस्तान के चैनल हो, चाहे कहीं का भी है, और एक मोर्टिन नाम का एक व्यक्ति आता है, उसको वो हमारे जो भारत के खिलाफ जो आवाज गलत भाषा का प्रयोग करता है, उसको चैनल पे देखो, डिबेट पे आने का सभी का हक है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो उसको अगर आता है तो हमारे भारत के प्रति गलत भाषा का प्रयोग ना करे, हमारे भारत के लोगों के प्रति कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करे। हम एक पिता की बात रखते हैं, एक पिता का सम्मान रखते हैं, एक गुलाम हैदर का जो हमने गरीब आदमी का, इंसान का हमने समर्थन किया है, हमें भड़काने की कोशिश ना करे, और वो ना करे। हर चैनल पर आकर, डिबेट पर आकर हमारे लोगों को भड़काता है, और एक वो भारतीय नागरिक होने के नाते वो भारत का, गुजरात का रहने वाला है, अभी वो नॉर्वे में रहता है, वो उसको ये शर्म आनी चाहिए कि भारत को छोड़कर, और देखो चलो वो किसी भी देश का समर्थन कर रहा है, हमें कोई बुरा नहीं है, वो पाकिस्तान का समर्थक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो भारत के लोगों को भी गलत ना कहे, भारत के लोगों के, भारत की, भारत की, भारत माता को भी गलत ना कहे। वो हर वीडियो में आ जाता है, ये कौन मर्चेंट परसेंट है, मैं किसी दिन इसको मर्चेंट परसेंट बना दूंगा मैं, थोड़ा हाँ, सा हाँ। इसलिए थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा सा वो अपनी सभ्यता में रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वो अपनी सभ्यता में रहे, और जो भी इसको डिबेट में लाता है, अगर वो भारत विरोधी बातें करेगा, उस सुनो सुनो माँ जी, अगर वो भारत विरोधी बातें करेगा, अगर उसको चैनल में लाकर उस चैनल का मैं बहिष्कार कर दूंगा, मैं उस चैनल का बहिष्कार कर दूंगा, अगर उसको चैनल में लाकर अगर किस तरह की अवैध भाषा का हमारे भारत के प्रति बात करवाएगा, मैं उस चैनल का बहिष्कार कर दूंगा, और मैं सख्त से सख्त कदम उठा दूंगा। हम अपने तिरंगे के बारे में नहीं सुनेंगे, अपने भारत के लोगों के बारे में नहीं सुनेंगे, हम अपने भारत माता और इसके बारे में हम कोई गलत शब्द नहीं सुनेंगे, और उसको बख्शा नहीं जाएगा कोई हमारे हमारे गलत भाषा का प्रयोग करेगा, गलत भाषा का प्रयोग करेगा उसको बख्शूंगा नहीं। और ये जो मर्चेंट है, जो क्या नाम उसका, वो हर वीडियो में आके कल भी बदतमीजी कर रहा था, मैं सभी चैनल से आग्रह करूंगा कि अगर उसको लाते हो डिबेट में, तो वो उसका एक भारत विरोधी बातें ना करे, किस तरह से वो झंडा लहराकर हम देशवासियों को उकसाता है, और ऐसे एक हीन भावना, जिसे कहते हैं वो हीन भावना फैलाता है, गलत भावना फैलाता है, दो देशों में गलत भावना फैलाता है, और हम दोनों देशों का प्यार खराब कर रहा है वो। और मैं उसको अगर डिबेट में आएगा, मैं उसके जो भी चैनल ला गया, अगर आता है तो ठीक है, लेकिन अच्छी बातें करे, देश के, हमारे देश के प्रति गलत बात ना करे। इंसानियत जिंदा है, इंसान अगर जिंदा, जिंदा इंसान जिंदा की मदद करेगा, वो ही भगवान भी सुनेगा, अल्लाह भी सुनेगा, सब सुनेगा, सुनेगा। सही बोले, एक जिंदा, हम जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग की अगर एक इंसान की मदद नहीं करेंगे, कौन करेगा? कौन और करे? हम कर रहे हैं, जी जी जी, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। वर्मा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, कि वो जो है, यानी वो झंडा फैला रहा था, ये बोल रहा था, मुझे देखिए लाइव की जो है, आप इंडिया में जो है पाकिस्तान का झंडा फैलाओ, मतलब लहराओ, तो ये गलत बात है उसकी। एक मिनट वर्मा जी, गलत बात है उसकी, और जो है वो पाकिस्तान में कुछ भी करे, और हमारा, हम अपने देश में अपना झंडा लहराएंगे, और देश के खिलाफ जो है हम नहीं सुनेंगे, हम इंसानियत के नाते जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं वर्मा जी, और हमने भी समझा दिया और आपने भी समझा दिया, उम्मीद है वो आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। बाकी आप ये वीडियो देखिए, एक जो है कल्लाई वाई थी, वो भगोड़ी औरत, उसके लाइव में पहुंचा एक गुप्ता नाम का व्यक्ति, लड़का ये जो भी था, उसने कहा उससे कहा कि आप जो है यानी गलत कर रहे हो, उसके बच्चे जो है उसे लौटा दो, यानी कमेंट किया उसकी लाइव में भगोड़ी की, कि उसके बच्चे लौटा दो और आप गलत कर रही हैं। तो उसने फिर जो है उससे ये कहा, सुनिए एक बार इस पास। अरे यार तुम्हारी क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे पता ही नहीं है तुम लोगों को क्या तकलीफ है। अच्छे से कमेंट करने तो करो वरना भागो यहाँ से, गो टू हेल। अच्छे से कमेंट करने तो करो वरना भागो यहाँ से। सुनिए, अरे गो टू हेल, अरे सुनो सुनो, ओए गो टू हेल की बच्ची, सुन मेरी बात, तू हमारे देश, सुनो, जो किस तरह की भावना,
सुनो ए गोटू की बच्ची, ध्यान से सुन, तू पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की ही रहेगी। हिंदुस्तान में आके इस तरह की, जिस तरह की तू भाषा कर रही ना, ये मेरी बात को याद रखिए, तुझे हम रिपोर्ट करा के रहेंगे। एक इंसान ने अगर बात रखी है, गोटू गोटू इंग्लिश जानती है क्या बोल रही है चैनल पे आकर? एक इंसान गुप्ता जी ने रखी बात, ठीक है मैंने वीडियो देखी अभी, क्या बोल रही है? तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? एपी सिंह की चलेगी क्या? सचिन की चलेगी क्या? हम 140 करोड़ लोग मर गए क्या? हैं? तू सोच रही है क्या सब कुछ हो गया तेरे लिए? अभी हम जिंदा हैं और हम 140 करोड़ लोगों ने अगर आवाज उठाई ना, तो यहाँ से पता नहीं हमारा अपना प्लेन, हमने है ना एक अपना प्लेन किराए पे करना पड़ेगा तेरे लिए स्पेशल। फिर दिखाई नहीं देगी यहाँ पे, ये हुई बात। कानून का मजाक उड़ा के रखा है इसने, सुनिए, कानून का मजाक उड़ा के रखा है, हमारे देश के लोगों का मजाक उड़ा के रखा है, हमारी भावनाओं से खेल रही है। एक पिता के चार बच्चे छीन के आ गई, एक पिता के सम्मान खो के आ गई। जिस तरह से मर्चेंट एक चैनल पे आके कहता हम भारत में घुस के क्या हम पाकिस्तान का झंडा हम भारत में लगा सकते हैं, अरे अब तुम्हारा देश है अपना देश में लगाओ, हमें आपके झंडे से कोई एतराज नहीं है, हमें अपने हमने अपने तिरंगे से प्यार, हम तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे, कहीं भी झंडा नहीं लगा। और इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है हर बार, हम ये मैं इसकी वीडियो कभी देखता नहीं हूँ, सीमा हैदर की, सीमा की मैं कोई वीडियो नहीं देखता हूँ कभी भी, वो किस तरह की वीडियो देखा बनाती है किस तरह से, अब कह रही है हम ये क्या, इसको ये सर पे चढ़ गई है क्या? कानून का डंडा चलने वाला है, गुलाम हैदर आ रहा है। और सुनो कोर्ट में खड़ी नहीं हो सकती है, कोर्ट में खड़ी नहीं हो सकती है। गुलाम हैदर जिस दिन भारत आ गया, इसके चार बच्चों को और इसको सचिन को भी जेल भिजवाऊंगा मैं, बराबर कोर्ट भेजेगा, कानून भेजेगा। एपी सिंह अगर वहीं हाथ जोड़ता ना दिखाई दे, एपी सिंह अगर हाथ जोड़ता वहां दिखाई ना देना कोर्ट में, तो मैं सूर्य वर्मा मेरा नाम नहीं, गुलाम हैदर भारत आपका वेलकम है और आपके लिए हम सब एक साथ है। माजी जी रामसवीर जी थोड़ा समय मेरे पास कम है, माफी चाहूंगा, धन्यवाद आपका जी, ठीक है वर्मा जी।